मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक की सेंटर लाइन की लेंथ चाहिए, राउंड वॉल के लिए अल्लाह पर इंटरवेंशन मुझे पता है 4.2 मीटर है, ये कितना बाहर आया, जितनी बॉल थिकनेस है बटा दो, तो ये जो बाहर आया ये 0.3 की बॉल है, तो ये कितना बाहर आया, 0.3 बटा 2.15। हाँ जी ठीक तो है। ये 0.15 बाहर आया, तो दिस इज हमने की सेंटर लाइन की 0.15 प्लस 4.2 प्लस 0.15, हाँ जी तो इन तीनों को ऐड कर दिया है, वैल्यू बनी 4.50 मीटर। हाँ जी ठीक इसमें सिर्फ सेंटर लाइंस की लेंथ कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब अगर मैं शॉर्ट वॉल की बात करूं, शॉर्ट वॉल की, ये शॉर्ट वॉल है, इसमें सेंटर लाइन जी लेंथ निकाल लिया मैंने, तो वो लेंथ कहां से कहां तक की है, यहां से यहां तक की ये लेंथ चाहिए मुझे, ये लेंथ चाहिए 3.6 0.5 0.5 0.15 यहां से लेके यहां तक कितनी है, 3.6 मीटर। हाँ जी हाँ जी इसमें ये 0.15 ऐड हो जाएगा, ये 0.15 ऐड हो जाएगा, हाँ जी हाँ जी ये टोटल कितना बन गया, ये टोटल सर 3.90 3.6 प्लस 0.15 प्लस 0.15 क्या करनी बन गई है, 3.9, 3.90 मीटर। हाँ जी ठीक अब मैं ये एक साइड पे लिख देता हूँ, लेंथ यही लेंथ यूज होनी है और कोई लेंथ यूज नहीं होनी, ये ना आपके लिए लिखता हूँ साइड पे, आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है साइड पे, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिखा रहे इसलिए लिखता हूँ मैं। लॉन्ग बॉल की सेंटर लाइन लेंथ कितनी आ गई, 4.5 मीटर, 50 मीटर, और क्या गई, 3.9 किलोमीटर। क्लियर हाँ जी है ये, सारी कैलकुलेशन कर देंगे। अंदर अब पहले हम आर्थवार की नेक्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे, लॉन्ग बॉल के लिए निकालेंगे, एक बॉल की निकालेंगे, दूसरी टेक्निक से मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे, लॉन्ग बॉल के लिए क्वांटिटी कैसे निकलेगी, क्वांटिटी कैसे निकलती है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। लॉन्ग बॉल की सेंटर लाइन लेंथ कितनी निकली हुई है, 4.5 मल्टीप्लाई बाय वेट कितनी रहेगी, 0.9। आज बार के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हाँ जी डेप्थ कितनी रहेगी, बिलो ग्राउंड लेवल कितनी रहेगी, 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.1, 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1, ये आगे 2 4 6 0.7 किलोमीटर, हाँ जी तो डेप्थ को ऊपर लेके मल्टीप्लाई कर दो 0.70, क्या कर लो अभी ये 4.5 0.9 0.7 को मल्टीप्लाई करे तो 2.835, हाँ जी ये आ गई 2.835 क्यूबिक मीटर, क्या 83 लिख लो, 835 लिखना, क्या मर्जी लिख लो, ऐसी दो दीवारें हैं मल्टीप्लाई बाय दो कर दो, क्या वैल्यू आ गई, 5.67 5.67 क्यूबिक मीटर। क्लियर है ये, अब हाँ जी शॉर्ट वॉल के लिए क्या क्वेश्चन करो, जी
क्वांटिटी कैसे निकलेगी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, लेंथ कितनी है अपॉन 2.90 विड्थ कितनी है 0.9 डेप्थ कितनी है 0.7 फिर क्या वैल्यू आ गई अब ये शॉर्ट वॉल के लिए टोटल अर्थवर्क इन एक्सकवेशन आ गई, पहले हमने लॉन्ग वॉल के लिए निकाली थी, दोनों को ऐड कर दो टोटल अर्थवर्क इन एक्सकवेशन आ जाएगी, क्लियर है ये? हाँ जी। अब सेकंड क्वालिटी जो कैलकुलेट करनी है वो करनी है सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, सॉरी इसमें लाइम कंक्रीट है, सबसे पहले हम लॉन्ग वॉल के लिए कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी कैसा निकलती है, लेंथ, लेंथ हमें पता ही है कितनी है 4.5, लेंथ एक ही होती है बस 4.5, विड्थ कितनी है 0.9 पीसीसी की, हाँ जी, डेप्थ कितनी है 0.2, हाँ जी, क्या वैल्यू आ गई 0.81। इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो, आगे पीछे दो दीवारें हैं, कितनी बच गई है 1.62 क्यूबिक मीटर। अब शॉर्ट वॉल के लिए निकालो क्वांटिटी कैसे निकलती है, लेंथ कितनी है शॉर्ट वॉल की 3.9 मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितनी है 0.9, पॉइंट नाइन डेप्थ कितनी है 0.2, पॉइंट टू क्या वैल्यू आ गई 0.70 0.70 आ रही है कितनी आ रही, हाँ जी, नहीं अदर इसको मल्टीप्लाई में दो कर दो, दो की मारे यहाँ मल्टीप्लाई में दो, क्या वैल्यू आ गई 1.40 1.40 देखो लॉन्ग वॉल के लिए वैल्यू आई थी 1.62, शॉर्ट वॉल के लिए 1.40, दोनों को ऐड कर दो टोटल क्वांटिटी ऑफ लाइम कंक्रीट निकल जाएगा ये। हाँ जी। तो अब हम थर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे मड मेजरिंग इन फाउंडेशन ऑफ अ प्लेन।